अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कुकिंग विद शंसा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पिज़्ज़ा डो बनाने की बिल्कुल आसान रेसिपी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया कि हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं या तो वो राइस नहीं होती, अगर राइस हो जाए तो पिज़्ज़ा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त बनता है। पिज़्ज़ा डो का राइस होना और पिज़्ज़े का सॉफ्ट बनना दो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। पिज़्ज़ा डो का राइस होना डिपेंड करता है यीस्ट के ऊपर डिपेंड करता है जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप यीस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका पिज़्ज़ा डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आप यीस्ट को एक्टिवेट नहीं करना चाहते, आप ड्राई यीस्ट को मिक्स करते हैं मैदे के अंदर, तो आपने यीस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्टली सॉल्ट ऐड नहीं करना। पहले आपने मैदे में सॉल्ट को मिक्स कर लेना है, उसके ऊपर आपने यीस्ट उसके बाद डालनी है। लेकिन सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट तब मिलेगा जब आप यीस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस रेसिपी में मैं आपको यीस्ट को एक्टिवेट करने वाले मेथड से पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाऊंगी। सेकेंड स्टेप, पिज़्ज़ा हार्ड क्यों हो जाता है, सॉफ्ट क्यों नहीं बनता, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाने के दौरान दूंगी। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ के पिज़्ज़ा डो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप नीम गर्म पानी लिया है, इसके अंदर डालना है एक टेबल स्पून चीनी और ये एक टेबल स्पून मेरे पास है यीस्ट, ये इसके अंदर डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा हो, वरना यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। ऊपर से मैंने इसको इस प्लेट से कवर कर दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखना है किसी भी गर्म जगह पे ताकि ये अच्छी सी राइज हो जाए। ये देखें जी, 10 मिनट बाद हमारी यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है, सारी ये झाग सी बन के ऊपर आ गई है। अब हम डो को तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें ये 2 टेबल स्पून मैं खुश्क मिल्क डाल रही हूँ, इससे हमारी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। 1/2 टीस्पून नमक है मेरे पास, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून ऑयल, ये इसके अंदर मैं डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके यीस्ट वाला मिक्सचर मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको गूंथती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी, सॉफ्ट सी डो हमने बनानी है, तो अच्छी तरह से इसको मैं गूंथ लूँगी। जो मैंने यीस्ट वाला मिक्सचर रेडी किया था उसी से मेरी डो तकरीबन बन गई है। अगर आप कम पानी लेते हैं तो दोबारा अगर आपने पानी ऐड करना है तो नीम गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 मिनट इसके अंदर खुश्क मैदा डस्ट करके या आप ऑयल लगा के इसको अच्छे से गूंद लेना है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा आपके हाथ पे चिपकेगा, स्टिकी होगा, ऑयल डाल के या खुश्क मैदा डाल के आप इसको डो की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट कंटिन्यूस गूंदने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और चिपक नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी डो रेडी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करूंगी। इस तरह की रैपिंग शीट के साथ आप इसको ऊपर से रैप कर दें। अगर आपके पास रैपिंग शीट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी गीला कपड़ा इसके ऊपर दे सकते हैं। गीला कपड़ा लगा के आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दें। जब ये अपने साइज से डबल हो जाएगी तो तब हमारी पिज़्ज़ा डो बन जाएगी। अगर आप ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, आपकी पिज़्ज़ा डो राइज नहीं होती सही से, तो आपने क्या करना है, जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आप चूल्हे के पास या सिलेंडर के पास थोड़े फासले से अगर आप अपनी पिज़्ज़ा डो को रखेंगे तो ये 2 घंटों के अंदर अंदर अच्छे से राइज हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पे डो अपने साइज से डबल हो चुकी है। इसको मैं ओपन करूँगी। ये देखें यहाँ पर मैं इसको पंच करूँगी। पंच करने से क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर एयर बबल्स बने हैं, हवा इकट्ठी हुई है इसके अंदर, वो सारी की सारी निकल जाएगी। इस तरह की कोई भी आप पिज़्ज़ा प्लेट लें, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और इसको अच्छे से फैला लें। ये देखेंगे मैंने पिज़्ज़ा डो लिया है। आप इसको चाहें तो बेल के भी इसके अंदर डाल सकते हैं या इस तरह मेरी तरह हाथों से प्रेस करके इक्वली स्प्रेड कर लें। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह डालना चाहते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा की डो को मैंने अच्छी तरह से प्लेट के ऊपर फैला लिया है। आप इस रेसिपी से पिज़्ज़ा डो प्रिपेयर करें और कोई भी टॉपिंग तैयार करें और अपनी पसंद का पिज़्ज़ा आप बना सकते हैं। मैंने पतीले के अंदर इसी पिज़्ज़ा डो से बनाए हुए पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की है, पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, लिंक मैं आपको दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। और अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा डो की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।